गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर कंस्ट्रक्शंस यू नो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रोट्रेक्टर क्या है प्रोट्रेक्टर जिसे आप डी कहते हैं कंपास ये होता है जिसमें एक तरफ पेंसिल होती है और एक तरफ पॉइंटर है एंड स्केल रूलर तो आप जानते ही हैं नाउ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल कोई एंगल बना के आपको उसका बाइसेकटर बनाना है यहाँ पे हमने ए बी सी कोई एंगल बना लिया ठीक है नाउ विल चेक कि हम जो बाइसेकटर बनाएंगे क्या वो इस एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दो एंगल्स में सबसे पहले बी पे कंपास रख के एक कन्वीनियंट रेडियस लेके आप एक आर्क खींचें ठीक है जो कि E और D इन दो पॉइंट्स पे इस एंगल ए बी सी को कट कर रही है अब मोर देन हाफ रेडियस जितना आपने इस आग का लिया था उससे मोर देन हाफ लेके आपने D पे सेंटर रखना है कंपास का और एक आग खींचनी है इन द इंटीरियर और सेम रेडियस रख के आपने ई e पे रखना है और आग खींचनी है तो इस तरह की फिगर आ जाएगी आपके पास एक बार आपने डी पे रखा आँख खींची एक बार आपने ई e पे रखा कंपास को और सेम रेडियस से आर्क खींची ये आर्क आपको एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है नाउ बाय यूजिंग रूलर एंड पेंसिल यू जस्ट जॉइन बी एफ एंड इट फर अब ये दोनों एंगल्स हम कह रहे हैं कि ये बराबर है। दैट मीन्स बी एफ इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इसका जस्टिफिकेशन ये है कि ये जो ट्राएंगल बना बी ई एफ एंड बी डी एफ दीज आर कॉन्ग्रोन्ट क्यों क्योंकि बी ई और बी डी सेम ये आर्क का रेडियस सेम था तो बी ई इज़ इक्वल टू बी डी सिमिलरली ई से एफ़ और डी से एफ ये आर्क हमने सेम रेडियस की खींची थी तो ई एफ इज इक्वल टू डी एफ